ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। रहीम, तू क्या ढूंढ रहा है यार? मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैदान और बड़े मियां छोटे मियां के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां, जिसके लीड रोल में आपको नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मनुषी चिल्लर, अलाया एफ और कैमियो के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। वहीं बात करते हैं इसके कलेक्शन देख लिया जाए तो अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे का कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस दिन ईद का छुट्टी था। यही कारण है कि यहाँ पे 15,62,00,000 की कमाई की। वहीं इसके दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार का कलेक्शन देखा जाए तो ड्रॉप देखने को मिला और 7,60,00,000 की कमाई की। तीसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला और 9,00,00,000 की कमाई की। वही अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज है संडे। तो आज का कलेक्शन देखा जाए चौथे दिन का तो 14,00,00,000 के आसपास की कमाई करते हुए नज़र आ रही है। टोटल चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 46,25,00,000 हो जाता है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पे 55,25,00,000। ओवरसीज से देखा जाए तो 28,00,00,000 की कमाई कर चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। वहीं इसके चार दिनों के टोटल अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 83,25,00,000 की कलेक्शन है, जो कि काफ़ी डिसेंट कलेक्शन है, क्योंकि इसका बजट की बात करें तो 300 से 350 करोड़ के बजट में स्पिन को बनाया गया है। उसके हिसाब से देखा जाए तो डिसेंट कलेक्शन है और देखते हैं आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो चलिए अब जानते हैं मैदान के चार दिनों के कलेक्शन के बारे में। तो अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली मैदान, जिसके लीड रोल में आपको नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन, प्रिया मानी और गजराज राव। वहीं अगर बात करते हैं इसके कलेक्शन देख लिया जाए तो अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन से यहाँ पे 7,10,00,000 की कमाई की थी। वहीं इसके दूसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला और मात्र 3,00,00,000 की कमाई की अपने दूसरे दिन। वहीं इसके तीसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए यानी कि इसका सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और 6,00,00,000 की कमाई की। और चौथे दिन यानी कि आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज संडे है, यही कारण है कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस तरह के ऑक्युपेंसी आज है उस हिसाब से यहाँ पे 9,60,00,000 की कमाई आज करते हुए नज़र आ रही है। चार दिनों में टोटल अगर इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 25,20,00,000 हो जाता है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पे 31,00,00,000 हो गया है और ओवरसीज यानी कि विदेशों से देखा जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक कलेक्शन है, कोई खास नहीं है, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी तक 28,00,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है। और यहाँ पर मैदान का कलेक्शन देखा जाए ओवरसीज कलेक्शन तो मात्र 6,20,00,000 की कमाई ओवरसीज से की है चार दिनों में। टोटल अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 37,20,00,000 हो जाता है चार दिनों में, जो कि काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो कि इसका बजट है वो 150 करोड़ है, उसके हिसाब से यह कलेक्शन नहीं आया अच्छा। और देखते हैं कि आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करती है और अपने बजट को कलेक्ट करती है या नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों फिल्मों में से आगे चल के कौन सबसे अच्छा कलेक्शन करने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।